हेलो स्टूडेंट्स, सर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी इलेक्ट्रॉन इमिटेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर बेंड इन टू सर्कल आर्क ऑफ रेडियस कितना 30 सेंटीमीटर देन वैल्यू ऑफ बी इज ओके. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेटल सरफेस को कहाँ रखा उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. जैसे फोटोन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है वहां से क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है सर्कुलर आर्क में रोटेट कर रहा है. एंड उस सर्कल का रेडियस कितना देकर रखा है 30 सेंटीमीटर, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. ठीक है चलो, तो क्वेश्चन में हमें क्या निकाला है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ओके तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो पूरा क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है चलो, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहाँ से निकालेंगे हम लोग, वर्क फंक्शन देके रखा हुआ है, इंसिडेंट वेवलेंथ देख रखा हुआ है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालना पड़ेगा. तो क्वेश्चन में वेवलेंथ कितना देख रखा है 500 नैनोमीटर्स, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला कितना होता है एस सी बाय लैम्डा, तो एच कितना अपने पास एच सी का वैल्यू भी देख रखा है 20 इंटू 10^-26 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर मीन 10^-9 इज 20 इंटू 10^-6 डिवाइड बाय इट इज अ 5 इंटू 10^-7 कैंसल कितना 4 इंटू 10^-19. ओके एनर्जी ऑफ फोटॉन्स मेरे पास कितना हो गया 4 इंटू 10^-19. ओके अब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालने के बाद हम कहा निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते, सो दैट काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे पता रहेगा तो मैग्नेटिज्म वाले पार्ट्स हम क्या निकालेंगे वहां से बी निकालने की कोशिश करते हैं. ओके चलो, तो पहले यहाँ से एनर्जी फोटोन मिल गया, अब मुझे फॉर्मूला पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, so that kinetic energy is equal to energy of photon minus work function. तो मेरे पास kinetic energy कितना आ जाता है? Energy of photons how much is a 4 into 10^-19 minus work function. Work function कितना मेरे पास? Okay. Kinetic energy is equal to यहाँ से energy of photon is 4 into 10^-19 minus वर्क फंक्शन कितना दिया 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको लिखता हूँ 1.25 इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में. कैसे कन्वर्ट करोगे इनटू 1.6 इनटू 10^-19, तो यहाँ से कितना आ गया ये 4 इनटू 10^-19, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है ये -2 इनटू 10^-19, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 10^-19. काइनेटिक एनर्जी का वैल्यूज कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है 2 इंटू 10^-19. ओके चलो, मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, मैं पूरे कैलकुलेशन सिस्टमेटिकली बताता हूँ, आप भी ट्राई करना कि जो जहां पे कैलकुलेशन टफ है उसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करो. ठीक है चलो, अब क्या निकाला मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया. ठीक है अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना. ओके तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका जो रेडियस होता है, ठीक है इसका जो रेडियस होता है, रेडियस का फॉर्मूला सबको पता है, रेडियस कितना होता है इट इज एम बी, कितना होता है रेडियस याद करो, मैग्नेटिज्म में हमने रेडियस किया हुआ है, तो R इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय कितना होता है क्यू वी. तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि व्हाट अबाउट V, V इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइड बाय कितना आएगा आपके पास M. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया आपके पास इट इज अ हाफ एम वी स्क्वायर, ये V इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कितना आएगा इस 1/2 पुट करोगे कितना आएगा ये क्यू बी आर द होल स्क्वायर डिवाइड बाय M. तो यहां से सिंप्लीफाइड करके मैं बोल सकता हूं कि b का जो वैल्यूज आ रहा है इट इज अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ m इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय q स्क्वायर इनटू कितना रहा m स्क्वायर, सिंप्लीफाइड करना मिल जाएगा. ओके चलो, अब वैल्यू सिस्टमेटिकली पुट करते
सो जो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो रहा है बट इजिली सॉल्व सकता है, ठीक है। चलो तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, कितना आ रहा देखो यहाँ से, 2 into m, m का वैल्यू कितना दिया 9 into 10^-31। काइनेटिक एनर्जी कितना है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी आया 2 into 10^-19 डिवाइड बाय q, q का स्क्वायर दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। मैं दो बार लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 1.6 into 10^-19, 1.6 into 10^-19। ओके, मास भी क्या दिया है, मास का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, मास का स्क्वायर, मास नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पे, शुड बी आर आना चाहिए, सॉरी ये राइट है यहाँ पे, यहाँ पे राइट है, ये एम डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज आर आ रहा है, दैट इज आर का स्क्वायर। हाँ प्रॉपरली सिंप्लीफाइड करके ट्वाइस ऑफ एम इधर जाएगा और क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एम इस साइड जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एम इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो बी क्या होगा रूट में आ जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ एम काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना देकर रखा आपके पास, इस 30 into 10^-2 फिर से 30 into 10^-2। क्लियर, चलो वैल्यूज लिख दिया, अब कैंसिलेशन करते हैं, कैसे कैंसिलेशन करते हैं, 10^-19 यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है, 99 से इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी क्या आएगा 10, चलो हो गया कैंसिल। ऊपर कितना आ रहा, ध्यान से देखो 2 into 2 कितना आ रहा, 4 आ रहा है, यस। तो अंडर रूट में मेरे पास क्या आ रहा है, चलो कुछ अच्छे वैल्यूज आ रहे हैं, 4 into 10^2 हाउ मच, -31। डिनोमीटर में ध्यान से देखो 1.6 बचा, 1.6 को क्या लिख सकते हो, 1.6 का स्क्वायर इंटू 10^2 कितना बच रहा है, ये 10^-19, ये 10 into 10^-2 कितना होगा, 10^-1, यहाँ भी कितना 10^-1, तो ये -1 -1 और ये 19 कितना होगा, 21, तो 10^-21। तो फाइनली मुझे अंडर रूट में आ रहा है, ऊपर इज 4 डिवाइड बाय 1.6 का स्क्वायर इंटू 10^-10, तो ये आ गया 2 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10^-5, स्क्वायर रूट ले लेते हम लोग, यस। नाउ इसको सिंप्लीफाइड कर दिया आएगा 1.0, ठीक है, हाँ दैट इज 1.25 इंटू 10^-5, दैट कैन बी 125 इंटू 10^-7। मुझे आंसर किस में चाहिए, 10^-7 में चाहिए। चलो तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहा है, बी का जो वैल्यूज है मेरे पास कितना आ गया, 1.25 into 10^-7, ठीक है। क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़े से टफ होते हैं बट अगर उसको सिस्टमेटिकली करोगे तो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम है, आ रहा कौन समय। चलो तो क्वेश्चंस में हमने क्या किया, पहले एनर्जी फोटॉन्स कैलकुलेट कर लिया, कहाँ से कैलकुलेट किया, इंसिडेंट वेवलेंथ से, फिर क्या निकाला हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, और फिर हम कहाँ पे चले गए, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हमें पता है सर्कुलर मोशन में आर का फॉर्मूला mv/qb, यहाँ से मैंने v निकाल दिया, फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी हमें ऑलरेडी पता था, पुट करके मैंने क्या निकाला, v निकाल दिया, तो v का मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, सारे वैल्यूज पुट किए, सारे वैल्यू इजिली कैंसलेबल है, कैंसल भी हो जा रहा है, दैट इज ऑल्सो, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।